उधर जापान की एनीमे सीरीज पोकेमॉन से 25 साल बाद उसके मुख्य किरदार एश और पिकाचू की विदाई की खबर ने फैंस को निराश कर दिया। बताया गया कि सीरीज तो जारी रहेगी लेकिन अब उसमें एश और पिकाचू नजर नहीं आएंगे। जबकि 1997 से पोकेमॉन शो की कहानी एश और उसके साथी पिकाचू के इर्द गिर्द ही घूम रही थी, लेकिन अब सीरीज के निर्माताओं ने बताया कि अगले साल अप्रैल से नई एडवेंचर सीरीज शुरू होगी जिसमें बिल्कुल नए किरदार देखने को मिलेंगे।